और एक बड़ी खबर आपको और बता दें, माफिया मुख्तार अंसारी पर बड़ी खबर आ रही है कि मुख्तार ने कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई है। बांदा जेल के सिपाही से जान का खतरा बताया है। कुछ दिन पहले सिपाही का बांदा जेल में ट्रांसफर हुआ और अब मुख्तार अंसारी को इस सिपाही से डर लग रहा है। कहा कि सिपाही के साथ मिलकर जेल प्रशासन मेरी हत्या करवा सकता है और ऐसे में खुद की सुरक्षा की गुहार मुख्तार अंसारी ने लगाई है। तो मुख्तार ने कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई है, ये बड़ी खबर। बांदा जेल के एक सिपाही से जान का खतरा बताया है। और आशुतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। आशुतोष, एक सिपाही से जान का डर उस माफिया को सता रहा है जिसने न जाने कितने ही परिवारों को बर्बाद करने का उसके ऊपर आरोप है और ये कहता है कि सिपाही के साथ मिलकर मुझे मरवाया जा सकता है, और क्या डर सता रहा है मुख्तार अंसारी को? देखिए, जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है उसके बाद जो मुख्तार अंसारी हैं उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक एक कर मुख्तार अंसारी के जो सहयोगी हैं या तो उनका या तो वो मारे जा चुके हैं या फिर उनके खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है, और यही कारण है कि मुख्तार अंसारी को भी अब जान का खतरा सता रहा है। दरअसल इसके पहले भी वो कोर्ट से, गाजीपुर कोर्ट में भी वो गुहार लगा चुका है कि उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही उसकी पेशी कराई जाए, क्योंकि उस जी आशुतोष आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक, फिर से आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन माफिया मुख्तार अंसारी को देखिए कैसे डर सता रहा है, अपनी जान का कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई है। एक सिपाही जिसका हाल में ही बांदा जिला जेल में ट्रांसफर हुआ है उससे अब घबराया हुआ है मुख्तार अंसारी।